नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर लाइफ पीके के एक न्यू वीडियो में। किसान भाइयों, अब गर्मियों का मौसम आ गया है और इस गर्मियों के मौसम में हमें जो है अपने अक्सर हमारे पशुओं में जो है या पशुओं के जो काल्प होते हैं उनमें अक्सर जो है जो डिहाइड्रेशन या दस्त की समस्या अक्सर होती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिससे जो है हमें हमारे पशु में जो है या काल्प में जो है उनको डिहाइड्रेशन से आप बचा सकते हैं और जो है उनको अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो आप उनको ठीक भी कर सकते हैं इस नुस्खे से। तो ये नुस्खा जो है बिल्कुल आसान नुस्खा है कि हमें अपने पशुओं को जो है इस गर्मी के मौसम में जो है हर हफ्ते में 2 से 3 बार जो है मट्ठा आता है या लस्सी या जो है दही जो दही को जो फेंटने के बाद बचता है मक्खन निकालने के बाद तो उसको जो छाछ बचता है छाछ भी कहते हैं तो उसको जो है हमें अपने पशु में जो है काल्प हैं या बड़े पशु हैं उनको अब हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर देना है। और पानी की जो मात्रा है अपने पशु में जो लेवल है पानी का उसको भी अपने पशु में बना कर रखना है ताकि जो हमारे पशु हैं वो डिहाइड्रेट ना हो। अगर आपका पशु अगर डिहाइड्रेट आ गया इसके बाद भी आपका पशु जो डिहाइड्रेट हो गया है उसको दस्त की समस्या हो रही है तो आप इसको जो है एक देसी नुस्खा है जो केला आता है आप केले में जो है चूना जो बुझा हुआ चूना होता है उसकी 1 से 2 ग्राम मात्रा आपको अपने पशु में जो है केले के साथ आप अगर दे देंगे तो उसको जो है दस्त या लूज मोशन या डिहाइड्रेशन की समस्या है वो आप देखेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर ही उसको आराम लग जाएगा और डिहाइड्रेशन की समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका पशु जो है कमज़ोर नहीं हो पाएगा और किसी भी समस्या इसके जो है कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल देसी नुस्खा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।